अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा मैं बता दूं आज की क्लास में, पहले कि हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर कौन कौन से सवाल पढ़े हैं, तो ये है प्राइवेटाइजेशन का सवाल जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फिर हमने पढ़ा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन पाकिस्तान। फिर हमने पढ़ा डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर एंड ऑल्सो सजेस्ट हाउ दीज प्रॉब्लम कैन रिजॉल्व, ये सवाल हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पढ़ा, ये मैंने हाईलाइट करवाया था कौन कौन से। फिर आ गया फॉरेन ट्रेड जो कि हमजा ने अभी भी मुझसे सवाल किया। तो यहाँ पर एक बात और बता दूँ, कल आपकी क्लास सेशन ए के साथ होगी, मैंने 6:45 बजे, ठीक है, 5:45 पे, और बस कल आपकी क्लास है ऑनलाइन। उसके बाद इंशाल्लाह अब हमारा फिक्स टाइम होगा और आमने सामने बैठकर हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, तो वो शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। तो फॉरेन ट्रेड, डिस्कस द फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, करंट स्टेटस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ा था कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट पोजीशन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ये दूसरा सवाल हो गया फॉरेन ट्रेड का, ये 2 सवाल हमने पढ़े। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये 3 सवाल हो गए फॉरेन ट्रेड के। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्टेप्स 4। बस ये 4 सवाल हमने पढ़े फॉरेन ट्रेड के। ठीक है ना, चारों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, एक आध दिन में, 2 दिन में या एक आध हफ्ते में ये सारी। सर आपने जो लिंक दिया था उसमें तो सिर्फ एक ही सवाल मिला था इस चैप्टर का। हाँ नहीं, अभी अब लिस्ट नहीं दी ना मैंने आपको, 1 अगस्त ऑनवर्ड के मैं आपको दूंगा। 1 अगस्त से लेकर जैसे कल हमारी आखिरी ऑनलाइन क्लास है ना, 1 अगस्त से लेकर और ये कल तक के तमाम लेक्चर्स, या फ्राइडे संडे को भी एक सेशन लूँगा लॉ का। तो संडे जो है ना वो लास्ट ऑनलाइन की क्लास होगी, मंडे को कोई क्लास नहीं होगी, तो मैं ये करूँगा कि इन सबको सम अप करके आपको दे दूँगा। ठीक है, तो वो सारी जो मिसिंग भी अगर है तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास में तो ये था कि अगर छुट्टी भी कर ली, नहीं आपने क्लास ली, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें कवर अप, बहरहाल आपकी क्योंकि रिकॉर्डिंग है उसी अंदाज से आप सुन लेंगे। लेकिन अब ये है कि आप उनकी फिजिकल क्लासेस होंगी उसमें सर फॉरेन ट्रेड का आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी बोला ना। हाँ जी, ये 4 ही सवाल हैं, चारों ही कराया मैंने, चारों पढ़ाया मैंने, चारों इंपॉर्टेंट हैं, यही 4 सवाल पूरे चैप्टर में। ठीक है ना, अब मैं आपको इसे दूसरा शेयर करता हूँ, दूसरा वाला जो हमारा चल रहा है, ये वाला हमारा चल रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए फिजिकल क्लासेस जब होंगी ना हमारी, तो ये कि आप जो छुट्टी करी आपने वो लॉस हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग का कोई चक्कर तो होगा नहीं। वैसे मैंने सोचा कि अगर मैं लैपटॉप ला के जूम लगा के रिकॉर्डिंग पे ही लगा दूँ तो ये क्लास भी रिकॉर्ड हो जाएगी और हम पढ़ भी लेंगे आगे। तो लेकिन मेहनत कौन करेगा अगर ये अभी फिजिकल पढ़ाऊँगा या ऑनलाइन के चक्कर देखूँगा बस। वैसे हर चीज़ का अपना फ़ायदा अपना नुकसान होता है, आमने सामने जब बैठे होते तो
बंदे के साथ एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, वैसे कम्युनिकेशन के स्टाइल में फर्क आ जाता है, सुनने समझने में फर्क आ जाता है हमारा। अच्छा जी, तो डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जरा कंफर्म कीजिएगा ये वाला सवाल। किसी और को तो नहीं पढ़ाया? रेमेडीज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कल मैंने आपको लेक्चर सेंड किया था ना इसका, कल मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में वीडियो रिकॉर्डेड जो भेजी थी। क्या कहते हैं, यही था वो? बताओ यार, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, यही था। नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दें फिर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना होगा, नया चैप्टर तो अब नई क्लास में होगा और वो नई क्लास आमने सामने ही होगी अब। ओके, तो ये मैं आपको पढ़ाना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा बनाया गया है जो कि अक़वामे मुत्तहिदा ने बनाया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसको कहते हैं। इसका जो बुनियादी तौर पर मकसद है वो ये है कि तिजारत को दुनिया भर में फरोग दिया जाए और वो जगह जहां पर तिजारत फल फूल नहीं रही है, और वो जगह जहां पर तिजारत फल फूल नहीं रही है वहां पर इनके एफर्ट्स के जरिए उनके हालात भी बेहतर हों और वो ज्यादा अपनी तिजारत को फरोग दे सके और उनके हालात बेहतर हों। क्योंकि अगर उनके हालात बेहतर नहीं होंगे तो भूखे मरेंगे, जब भूखे मरेंगे तो दूसरे मुल्कों में जाकर वो मसले मसाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आज तक आया तो नहीं है सवाल? नहीं बेटा, आया है सवाल। आपने पास्ट पेपर्स में देखा है ना, आप 10 साल खरीदते हैं, आप 25 साल खरीदते हैं फिर आपको नजर आएगा, हर सवाल आया होता है कभी ना कभी। और ये पास्ट पेपर्स में ये फाइलर देख ही डाला था, ये सवाल WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक तो बात ये हुई, दूसरी बात ये है कि देखें, इल्म जो है ना, जो नॉलेज होती है, नॉलेज आपको तरक्की देती है, आपकी डिग्री आपको तरक्की नहीं देती। तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करें। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सिलेबस में वो तो हर चीज़ पढ़ें, लेकिन सिलेबस से हट के भी इल्म हासिल किया करें, मुख्तलिफ किताबें लाकर जनरल नॉलेज की वैसे ही पढ़ा करें। ठीक है ना, क्योंकि इल्म कभी भी खाली नहीं जाता, वो आपको ज़रूर अपना रिटर्न लेकर जाता है। अच्छा जी, तो अक़वामे मुत्तहिदा ने यह इदारा बनाया, अक़वामे मुत्तहिदा का बैकग्राउंड सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये सेट नंबर है, नोट्स का भी पेज नंबर मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं नोट्स में कौन से पेज नंबर पर ये होगा, लेकिन ये है कि ये होगा इसी चैप्टर में, बैलेंस ऑफ ट्रेड का चैप्टर है, नोट्स में उसी में होगा। तब सुना है, अफवाह मुत्तर तक कब, दूसरी जंग अजीम हो गई। जब दूसरी जंग अजीम हो गई तो दुनिया के ज़्यादातर जो लोग थे वो दूसरी जंग अजीम के अंदर शामिल हो गए। जब दुनिया के ज़्यादातर लोग दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गए तो दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि अगर कोई मुल्क दो तीन दिन भी अगर जंग लड़ ले तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। आप ज़रा सोचिए कि जब दुनिया ने कई साल, 11 साल जब लगातार दुनिया ने जंग लड़ी, पूरी दुनिया की क्या हालत हो गई होगी, सारा पैसा गोला बारूद की सूरत में,
उन्होंने धुआं कर दिया, सैकड़ों हजारों लाखों नौजवान शहीद हो गए। ठीक है जी, बहुत बुरा हालात हो गया। अब उन्होंने सोचा कि यार ये दूसरी जंग असीम हुई क्यों, उसके रीजंस क्या हैं। तो पूरी दुनिया ने मिलकर बैठ गई एक जगह पर जिसको यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया, और दुनिया ने बोला कि यार इसके दूसरी जंग असीम होने के रीजंस क्या क्या थे, क्यों ना हम तमाम के तमाम रीजंस को एक जगह पर जमा करें, और तमाम के तमाम रीजंस को एक जगह जमा करके हम ये करें कि कोई भी एक भी रीजन पनपने ना दे, ताकि आइंदा कभी दुनिया में इतनी बड़ी जंग असीम ना हो सके। तो अक़वामे मुत्तहिदा बनती है, और अक़वामे मुत्तहिदा बनने के बाद तमाम के तमाम पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करना शुरू करती है। ठीक है ना, अब वो लिस्ट डाउन करते हैं। नंबर वन, भूख उसकी वजह सबसे ज्यादा हुई जी, भूख की वजह थी, लोगों को खाने को नहीं था और एक्सट्रीमिज्म की तरफ गए। नंबर टू, इल्म की कमी थी, इल्म नहीं था, ठीक है जी, और इल्म की कमी की वजह से वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ गए। नंबर थ्री, रोजगार नहीं था, रोजगार की वजह से, ठीक है ना। अब मुआशरे की बदहाली की जो जो वजूहत हो सकती हैं, उन तमाम की तमाम वजूहत को एक जगह पर जमा करना शुरू किया गया। सही, जो जो बदहाली की वजूहत हो सकती हैं, उन तमाम को एक ही जगह पर जमा करना शुरू कर दिया गया। फिर ये हुआ कि अफवाहें मुतर बन गई, सारे के सारे मुल्क उसमें शामिल हो गए। अब हर रीजन के लिए उनने डिपार्टमेंट बना दिया, सेहत के लिए हेल्थ के इश्यूज हैं जी, एक हेल्थ के लिए अलग बन गया, रोजगार के लिए अलग बन गया, इसी तरह ही तिजारत के लिए बना। क्यों? क्योंकि देखें, ज्यादा तिजारत होगी तो रोजगार ज्यादा होगा, जब रोजगार ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा होंगे, जब पैसे ज्यादा होंगे तो हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, वरना हर चीज का ध्यान रखेगा। इसमें मिसाल देना चाहूंगा गरीब आदमी और एक अमीर आदमी। एक गरीब आदमी बस ये देखता है कि लिक्विड है ना, पानी पीने के लिए जब वो देखता है तो वो लिक्विड देखता है और पी लेता है, वो ना उस कलर देखता है, ना उसमें कचरा देखता है, ना कुछ देखता है, उठा के गट 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 पी जाता उसको। तो अब आ जाते हैं अमीर बंदे की तरफ। अमीर आदमी कैलिगन का पानी पीता, 150 रुपए की छोटी वाली बोतल। मिडिल क्लास जो आर ओ प्लांट जगह जगह लगे हुए, यहाँ से गैलनों में भर भर के लाते हैं बेचारे, 30-40 रुपए के गैलन खाते हैं वो। सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम कि आप अपना कितना ख्याल रखने वाले। सही, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी ताकि ट्रेड प्रमोट हो, स्पेशली गरीब मुल्कों में। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। WTO इज इन्वॉल्वड इन रूल मेकिंग इन एरियाज दैट गो बियॉन्ड द नैरोली कंसीव्ड कन्फाइंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी रूल ऑफ लॉ बनाने के लिए, ताकि कोई भी बड़ा मुल्क जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड पर पूरा कब्जा ना कर ले, और ऐसा ना हो कि गरीब मुल्क के हाथ में कुछ भी ना आए। ठीक है जी, बड़ा जो कंट्री है वो हर चीज़ पर कब्जा ना कर ले और गरीब के हाथे कुछ भी ना लगे, इसलिए ये बनाया गया इदारा। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लोजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन।
और जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक्सप्लोजन हो गया टेक्नोलॉजी का, क्योंकि जिस मुल्क ने जो बनाया हुआ था वो एक दूसरे से शेयर किया और एक बहुत तेजी से दुनिया तरक्की करना शुरू कर दी। कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन में, फाइनेंस में, ट्रेड में एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन वेज दैट कंसिडरेबली रिड्यूस द ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। इट रेफर्स टू ग्लोबल इकोनॉमी मेनली बाय फ्री ट्रेड एंड फ्री कैपिटल मोबिलाइजेशन। फिर क्या हुआ, फ्री पोर्ट बना दिया गया दुनिया भर में कि कोई भी आया बगैर टैक्स के यहाँ पर काम कर सकता है। दुनिया भर से लोग पहुंचे वहां पर ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी हमें तैयारियां देखने को मिलती हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी ताकि इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन इज ओपन अप कंट्रीज but it is also marginalizing those who cannot survive within the new competitive framework. globalization ne jahan par countries ke liye kuch aisi cheeze khole ke jo survive nahi kar sakte the, dusri taraf ye hua ke the pragmatic counter arguments to this view are that WTO offers both challenges and opportunities for the developing countries to expand trade, access advanced production and communication technologies, and restructure their economies towards promoting economic development with a better quality of life for the more people. तो इसमें ये बताया गया कि ये जो WTO है एक तरफ ये अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती है, दूसरी तरफ चैलेंजेस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। WTO एक तरफ कॉम्पिटिशन क्रिएट करती है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन जब WTO क्रिएट करती है, ठीक है, दुनिया भर को ऑप्शन देती है कि आप मुल्क ए से सामान ले सकते हैं, मुल्क बी से सामान ले सकते हैं, कंट्री सी से सामान ले सकते हैं, कंट्री ई डी एफ ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे कंट्रीज से आप सामान ले सकते हैं। एक तरह तो ये बात करती है, दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ ये बात होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस के अब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बहुत सारे मुल्कों को इंट्रोडक्शन हो जाता है आपसे और वो आपके बारे में सोचते हैं। दिस इज अपॉर्चुनिटी। ऑन द वन हैंड इट इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु डोंट नो एनीवन के नाउ दे कैन सेल देयर गुड्स, देयर सरप्लस गुड्स। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी दे क्रिएट अ चैलेंज बिकॉज दे गिव मोर ऑप्शंस टू द जनरल पब्लिक एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड that you can purchase from A, B, C, D, any one of them. You can purchase from any one of them, okay? अच्छा जी, under WTO rules, use of quantitative restrictions are discouraged unless as a safeguard measure by developing countries for emergency purpose if they can justify that they are using it to prevent serious injury to their domestic industries. ठीक है जी, WTO is playing positive role in promotion trade among the member countries. Pakistan has been actively participating in all the ministerial conferences. A World Trade Organization jo hai mukhtalif mulkon mein jaati hai aur mukhtalif jo hai wo conferences karte hain, duniya bhar ke logon ko bulate hain. To Pakistan isme bahut zyada actively
अपना रोल प्ले करता है और पाकिस्तान जाता है, लोगों से मिलता है। और इसका मकसद क्या होता है कि वही जो पाकिस्तानी ट्रेड है, पाकिस्तानी ट्रेड को दुनिया भर में प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अच्छा जी, आगे इसमें लिख रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी इंक्लूडिंग आवर एग्रीकल्चर सेक्टर वी हैव स्टार्टेड सीइंग स्टैग्नेशन टू वन ऑफ द फैटेस्ट इन एशिया। तो भाई हम ये देख रहे हैं कि हमारा जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे मुल्क के अंदर बड़ी तेज़ी तरक्की हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और दीगर सेक्टर्स में भी, और उसकी वजह काफ़ी हद तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है क्योंकि वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है ना, डिस्पाइट द रिडक्शन इन रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ्स ओवरऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू हैज़ बीन ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 20% पर एनम। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर कोर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स सच एज टेक्सटाइल अपैरल फ्लोर निगोशिएशंस। इसमें कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है, हमारे लोगों को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कर भी करवा रही है ताकि लोगों को पता चले कि भाई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये लोग सारा सामान बेच रहे हैं। ठीक है जी, ये था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 नंबर के लिए आ चुका है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि हमजा भाई ने देखा कि उनको नहीं मिला मेंबर भी, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये आ चुका है। ठीक है ना, कल 5:45 पे क्लास होगी मैनेजमेंट की, कल 5:45 पे क्लास होगी मैनेजमेंट की और वो कल हमारी आखिरी ऑनलाइन क्लास होगी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी कोचिंग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।